Good morning, students. Class 3, Maths. Students, मैंने आपको ये abacus वाले B part और C part करने के लिए दिए थे, आपने इन्हें किया? Very good. आज हम करेंगे D part. Write the number names. आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उनके नंबर नेम्स लिखने हैं. आपको पता है आपने लास्ट टाइम 4 डिजिट्स के नंबर रीड करना सीखे थे, तो देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स. तो हम इन्हें रीड करते हैं. हम फर्स्ट नंबर इज, टेल मी स्टूडेंट्स, 5000. फर्स्ट नंबर हमारा है 5000, तो यहाँ पे हम उसका नंबर नेम लिखते हैं, 5000. नेक्स्ट नंबर इज 5300. 5300. आगे बढ़ते हैं. थर्ड, इस नंबर को रीड कीजिए, 2156. 2156. नेक्स्ट नंबर को रीड कीजिए, 9460. 9460. नेक्स्ट को रीड कीजिए, 6000. देखिए 100 प्लेस पे जीरो है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे. 6040. 7208. 7208. Next, 9999. ये नंबर नेम्स थे जो हमने कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट है हमारा मैथ्स जिम. कलर द नंबर कार्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ नंबर नेम्स लिख के दिए गए हैं और यहाँ पे 4 कार्ड्स बनी है जिनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं. आपको ये पता लगाना है. जैसे देखिए, फर्स्ट है 6400. ढूंढिए 6400 कहाँ है, कौन सी काइट वाला नंबर है. 6400 वाली काइट है ये, तो आपको इसमें रेड कलर फिल करना है. सेकंड है 535 वाली काइट को आप सर्च करेंगे और उसमें ब्लू कलर फिल करेंगे. 9909 में येलो, 1620 में ग्रीन. तो स्टूडेंट्स, आपको ये काम खुद करना है.
आप यहाँ से नंबर नेम्स रीड करेंगे और फिर उस नंबर वाली काइट को सर्च करके उसके सामने दिए गए कलर को उसमें फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप मैथ्स जिम कीजिए। थैंक यू।